अरे माँ, यकीन मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के अपुन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपुन को कोई टच भी नहीं कर। 4 साल से इन पहाड़ों में पड़े हो, इंसानों के बीच रहने की आदत छूट गई होगी। एडजस्ट कर लूंगा सर। कमांडो साथ। तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। किसी ने पूछा, भाई क्या खाते हो ऐसी बॉडी बनाने के लिए? मैंने कहा, कसम हर दिन जिम में और ज्यादा मेहनत करने की। गर्दन झुकाने की बात करते और हम वो हैं जो आंख उठाने वालों की गर्दन प्रसाद में बांट देते हैं। उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, फिर से सुन ले। सिर्फ उम्र ही छोटी है लेकिन सलाम तो सारी दुनिया ठोकती है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता। और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो, मैं सर्कस का नहीं जंगल का शेर हूँ, मैं कुत्तों से नहीं डरता। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदे ही खराब हूँ। सबको पता है कि हर जगह यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मैटर चल रहा है, तो मैं भी इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि बेटा कुछ मत कहो। छोड़ दो मुड़कर देखना उन्हें जो दूर जाया करते हैं, छोड़ दो मुड़कर देखना उन्हें जो दूर जाया करते हैं, जिनको साथ नहीं चलना वो अक्सर रूठ जाया करते हैं। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, दिमाग में चापलूसी वाला मीटर नहीं लगवाया। कि जो कहता हूँ मुंह पे कहता हूँ, दिमाग में चापलूसी वाला मीटर नहीं लगवाया। और मेरी तरक्की वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ, अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। पता नहीं इस कमबख्त इश्क में ऐसा क्या है, जिस मंसूर अली ने बंदूक चलाना सिखाया उसी को बंदूक दिखाता है। जो हाँ बोले उसे छोड़ देता हूँ, जो ना बोले उसे। अरे माँ, यकीन मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के अपुन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपुन को कोई टच भी नहीं कर सकता। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता। और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो, मैं सर्कस का नहीं जंगल का शेर हूँ, मैं कुत्तों से नहीं डरता। भाई तेरी 2020 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? साले जिंदा हूँ काफी नहीं है। मर जाना था ये भेद। अरे एटीट्यूड तो हमारा भी खतरनाक है साहब, उसने बात नहीं की तो पलट कर हमने भी नहीं देखा। परिंदे कितना भी ऊंचा उड़े आसमान के नीचे रहते हैं, परिंदे कितना भी ऊंचा उड़े आसमान के नीचे रहते हैं। और जो लोग ज्यादा औकात औकात करते हैं ऐसी औकात वाले मेरे नीचे रहते हैं। मौत से चलने वालों जरा एक बात सुनो, अभी कामयाबी देखना बाकी है, मर मत जाना। कभी कभी उसे याद कर लेता हूँ, मैं इस तरह से समय बर्बाद कर लेता हूँ। है गुनाह उसे याद करना, है गुनाह उसे याद करना, और ये गुनाह मैं बार बार कर लेता हूँ। वासिक के जानो करा महबूबा में हो रहा, हमार महबूबा हमारे पास माणी। सुन लसन शेरों को
कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिदड़ उनके बारे में क्या सोचते हैं। सुन रहे बदमाश, मारा बाबा न्यू गया करे, बिना बात किसी तरह राड ना लिए। एक बार समझिए, दो बार समझिए, जे ना माने साड़े की खा। जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते होगे तो सोचते होगे कि आखिर ये आदमी ऐसा भयंकर शरीर पाने के लिए कितना समय जिम में मेहनत करता होगा। हो सकता है आपके लिए ये शरीर दिखने में बहुत बेढंगा हो, पर ये लोग ऐसा शरीर पाने के लिए अपनी जान तक नाव पर लगा देते हैं। ये बॉडी बिल्डर जिम के अलावा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है, और जितना तुम पानी से नहाए हो ना जनाब उतना पसीने से नहाना है। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। हम कहां बने हैं बॉडी बनाने के लिए? इंडियन डाइट में प्रोटीन से ज्यादा मां का प्यार होता है। आखिर हमें बॉडी बिल्डिंग विरासत में नहीं मिली, मिली है तो सिर्फ मेहनत। मेरे ते केस खून दिया तबियां दा चले रौंद मोटर तो लबियां। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस। जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते होगे तो सोचते होगे कि आखिर ये आदमी ऐसा भयंकर शरीर पाने के लिए कितना समय जिम में मेहनत करता होगा। हो सकता है आपके लिए ये शरीर दिखने में बहुत बेढंगा हो, पर ये लोग ऐसा शरीर पाने के लिए अपनी जान तक नाव पर लगा देते हैं। ये बॉडी बिल्डर जिम के अलावा मसल्स, बॉडी बिल्डिंग ये मात्र शब्द नहीं जुनून है। ये काम आलसियों के लिए नहीं, ये पैशन नशेड़ी नहीं पाल सकते। इस काम के लिए लगता है ध्यान, त्याग और परिश्रम। इस विधा को आराम से नहीं, मेहनत से होने वाली असहनीय पीड़ा को झेल कर पाया जा सकता है। नींद छोड़कर सुबह उठना होता है, शरीर का ध्यान रखना होता है, और साथ में जीनी होती है आम जिंदगी।